विनोद जी, क्या लग रहा है, मतलब ये चुनाव आए इसीलिए इस तरह की चिट्ठी आ गई, और क्या ये वही स्ट्रैटेजी है जो कर्नाटक में भी अपनाई गई, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो इस देश में हमेशा लगते रहे हैं, और सरकारें जांच कराती रही हैं, या जो सरकारें बाद में आई उन्होंने जांच कराई। बोफोर्स के जमाने में वीपी सिंह तो एक कागज लेके दिखाते थे कि मेरी जेब में ये कागज पड़ा हुआ जिसमें अकाउंट नंबर है। वो अकाउंट नंबर आज तक सामने नहीं आया। बोफोर्स का पूरे जांच भी हो गई, मामला भी चल गया, और एक आदमी को जो सजा नहीं हुई, और उसके बाद जो है बहुत सारे लोग ऊपर भी चले गए और आज तक साबित नहीं हुआ। और वो लेकिन दाग चिपक गया कांग्रेस पार्टी पर, उस पर भी FIR कर बीपी सिंह पे क्या कराई गई, क्या कोई करा देता है FIR? 2G पर जिस पे विनोद राय जी ने रिपोर्ट दी कि 1,64,000 करोड़ का घोटाला हुआ, वो कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने कह दिया कोई घोटाला ही नहीं हुआ, और राजा साहब छूट गए। अब क्या FIR कराई जाए क्या विनोद राय पर, या उस समय जो आरोप लगाया गया कि आपने, तो आरोप लगते रहते हैं। नंबर एक, ये मैं दो उदाहरण इसलिए दिया, और बहुत सारे उदाहरण हैं। दूसरा ये है मामला कि कर्नाटक में चूंकि एक एसोसिएशन ने, एक बिजनेसमैन ने चिट्ठी लिखी थी और 40% कमीशन की बात कही थी, और वो चिपक गया आरोप, और बीजेपी को उसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस बार वो जो चिट्ठी जब आई, अब चिट्ठी आई या लाई गई ये एक जांच का विषय है, मैं इस पर नहीं कह सकता, और जिन्होंने चिट्ठी लिखी उन सज्जन ने कहीं आता पता नहीं, वो मिले नहीं। तो FIR तो सबसे पहले होनी चाहिए, अगर FIR की जा रही है जिन्होंने चिट्ठी लिखी, कि वो सामने आवे और सबूत दें जो उन्होंने वो दी, नंबर एक। और दूसरी बात ये है कि चूंकि बीजेपी कर्नाटक का के दूध से जल चुकी है, तो मध्य प्रदेश का छाछ जो है चिट्ठी वाला फूक फूक के पी रही है, इसलिए तैयारी पहले से थी। उसने तुरंत प्रीएम्प्ट किया कि अगर ये चिपक गया हमारे ऊपर 50% तो राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, तो FIR करा के जनता के सामने ये कहो कि भाई हम इसमें कोई घोटाला नहीं है, कांग्रेस पार्टी जिम्मे। और कांग्रेस पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि एक अनाम चिट्ठी या इस तरह की चिट्ठी कराती है तो थोड़ा तथ्यों की जांच कर लेते हैं आप आरोप लगाने से पहले, खासकर प्रियंका जी, कमलनाथ जी, चलिए आपको जिलों के प्रवक्ता या प्रदेश प्रवक्ता आरोप लगाते समझ में आता, लेकिन आपके शीर्ष नेता अगर आरोप लगा रहे हैं तो उसमें एक पुष्टि, एक जांच तो होनी, मतलब कम से कम एक उसके पीछे आधार तो होना चाहिए। तो इसलिए ये मामला ऐसा है कि मुझे लगता नहीं दे रहा ना कि आधार है कहां पर, और इसीलिए बहुत हर्षवर्धन जी राजनीतिक आरोप, लेकिन यहाँ पर क्या तैयारी सरकार की ज्यादा दिख रही है, क्योंकि कर्नाटक में तो देख लिया, और जो यहाँ पर कहा अग्निहोत्री जी ने, विनोद जी ने, कि क्योंकि जले हुए थे कर्नाटक में इसलिए यहाँ हर कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। नहीं, श्री, निश्चित तौर पर कांग्रेस कर्नाटक में 40% कमीशन सरकार उसको चला के और उसको लागू करने में, एक तरह से कहें कि मुंबई सरकार के ऊपर लागू कर दिया कि 40% की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर इस तरह से झूठ बोलें, फेक न्यूज फैलाएं, तो ये खतरनाक है। राहुल गांधी ने 2019 चुनाव के पहले क्या कोशिश की, चौकीदार चोर है राफेल पर, झूठ बोला, कोर्ट के हवाले से बोला, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। अब जो ये चिट्ठी है इसमें कोई ये नई बात नहीं है, नेता आरोप लगाते हैं, राजनीतिक दल आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, ये राजनीति और कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का किसी लेटर हेड के हवाले से, और आप कहते हैं कि एक पूरी की पूरी संस्था ने यह आरोप लगाया है और इस आधार पर कोई सरकार भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, तो निश्चित तौर पर उसका जवाब तो देना चाहिए। और दुनिया में ये बड़ी समस्या है कि फेक न्यूज फैलाकर, और खासकर बड़े लोग जब ये करते हैं, बड़े लोग मतलब जिनका प्रभाव है, जिनकी बात लोग सुनते हैं। अब प्रियंका गांधी तो कांग्रेस की बड़ी नेता है, सारे कांग्रेसी चल पड़े उसी राह पर, किसी ने ये कोशिश नहीं की कौआ कान ले गया, कान सलामत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें निश्चित तौर पर कुछ तो उदाहरण पेश होना चाहिए ना, नेता झूठ बोलते रहे, आरोप लगाते रहे, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर हर कोई झूठ बोलेगा, कभी कोई आम आदमी फंसेगा तब तो FIR होगी, बड़ा आदमी फंसेगा तो बच जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।